खत्म बाड़े मोदी जी, खत्म बाड़े मोदी जी। जी पढ़ा लिखा है? अच्छा, मोदी जी पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा तो उसका। नमस्कार, मैं राजकमल और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। देखिए, कुछ ही दिनों बाद या यूँ कहेंगे कुछ महीनों बाद लोकसभा चुनाव 2024 होना है। ऐसे में लेकर तमाम पार्टियां जो है वो तैयारियों में जुट गई है। एक तरफ जहां बीजेपी अपने छोटे छोटे दलों को एक कर रही है, वहीं नीतीश कुमार जो है वो विपक्षी एकता को मजबूत करने में लगे हुए हैं। हालांकि आम जनता की क्या राय है, आम जनता किस मुद्दे पर इस बार वोट करेगी, किसको वोट करेगी, ये जानने के लिए हम कुछ युवाओं से, कुछ सीनियर सिटीजन से बातचीत करेंगे। हमारे साथ क्या नाम है आपका? रजनीश कुमार। क्या मुद्दा क्या होगा लोकसभा चुनाव? विकास। विकास कौन किया? विकास कहाँ जाएगा? बीजेपी विकास? हाँ, एकदम विकास किया है। विकास का ही देन है कि आज के डेट में कोई भी काम हो, रोड हो, सड़क हो या यातायात की सुविधा हो, सब उन्हीं का देन है। लेकिन जो विपक्ष है वो कह रही है कि इनमें भ्रष्टाचार बढ़ा, महंगाई। भ्रष्टाचार तो सब लोग देखा है, 2G घोटाला, एस्पेक्ट घोटाला, कोल घोटाला, घोटाला का तो लिस्ट है। बीजेपी का कोई घोटाला अभी तक ले उजागर हुआ है? एक भी घोटाला बताया जाए कि जो घोटाला में उजागर हुआ हो, एक भी? वो तो पूरा घोटाला का लिस्ट है, 152 गो। उससे बड़ा कोई घोटाला है? तो आपका जो ये होगा विकास के विकास एकदम विकास, विकास जो विकास करेगा, देश हित में जो काम करेगा उसी को वोट देना। और भी कुछ लोग हैं, बाबा हैं, बात करेंगे। कहाँ से हैं बाबा? हमारा जिला के रहने वाले हैं। अच्छा, चुनाव बाद 2024 के कौना मुद्दा पर वोट हुई इस बार? महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, यही पर वोट होगा। मोदी साहब खत्म बड़े, मोदी जी कहले कि अच्छा दिन आई, वो अपन लोग वोट दिए और सबसे बुरा दिन ले ले, सबसे बुरा दिन, बुरा दिन कहने के लिए 4 वर्ष के नौकरी होला फौज का, मैं जवान 4 वर्ष के नौकरी करके कहा हुई, मैं बर्बाद कर दिया मोदी जी। ऐसा प्रधानमंत्री कोई होगा फौज का? 4 वर्ष के नौकरी, महंगाई, भ्रष्टाचार, हिंदू मुस्लिम झगड़ा करके ही भजा रहे, विपक्षी को फंसा रहे। क्या भाजपा में नहीं है? भाजपा को कोई फंसाया गया है? CBI CDI लगा के खत्म बाड़े मोदी जी। मोदी जी को वोट नहीं है। बाबू कुंवर सिंह का धरती का नवजुवक पुत्र मैं बोल रहा हूँ, वही जा तेरे गोल लगे, वही जाके सबके देश के मुँह आ दिले। मोदी जी खत्म बाड़े, मोदी जी को वोट नहीं मिल रहा है। विकास नहीं के भाई ना, विकास का ठीक है कहले बड़े, विकास तो ये कहले बड़े, एक रुपया नहीं खोल दिले, एक रुपया नहीं आया, कौन किसान के दिले बड़े? मोदी जी झूठ के पुलिंदा बड़े, अच्छा दिन कह के सबसे बुरा दिन ले बड़े। ये सब लोग के पहचान में आ गए, लेकिन हमारे निखे सब लोग। अच्छा। मोदी जी महागठबंधन भारी मत से जीते खोलवाइल बड़े तो फंसावत रहे, ED BD CBI भी जवावत रहे, से वोट मिली भाजपा में को धराइल बड़े। अच्छा। इसलिए मोदी जी खत्म बड़े बकुला 24 में, मोदी जी के खत्म बड़े, मोदी जी के कोई वोट देने लगे कोनो पंचायत कोनो गाँव में नहीं है, पूरा बिहार हिंदुस्तान फौज के लड़का के तुरवा दिले, जेल में फंसवा दिले। नौकरी बा 4 वर्ष कौन नौकरी करी? अभी तो नौजुवक हैं, हमारा लड़का नाती है, आने वाले पीढ़ी के मोदी जी के को आड़ा बच्चा उनका दर्द मोह है। मोदी जी खाली फंसावत रहे, तुरत रहे, हर देश और लोग बुझता मोदी जी चलहा बैठल MBA बैठ के पढ़ के। और मोदी जी BA किया है जी? मोदी जी पढ़ा लिखा है? अच्छा, मोदी जी पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा तो उसका ज्ञान रहता। अच्छा, 4 वर्ष के नौकरी होता है, उनका नाती पोता रहता नू, उनका दर्द क्या है? मोदी जी खत्म कौन है? वही जा तुरोलर लहनू घोसी विधानसभा क्षेत्र से सपा के विधायक के तुरवा के दारा सिंह चौहान के भाजपा से लौड़े ले, 0 पर हो गए, 63,000 से समाजवादी जो निकल के आए, देखिए। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका मुद्दा, भी कुछ लोग हैं उनसे, उन लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव जो है वो 2024 किन मुद्दों पर होगा। कुछ युवा हैं, हम इनसे बात करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 आने वाला है। हाँ, मुद्दा क्या होगा आपका? वोट तो आप भी देते होंगे, आम पब्लिक हैं। बिल्कुल देंगे। मुद्दा क्या है आपका, किस मुद्दे पर वोट करेंगे? अब मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। बेरोजगारी? अच्छा। हाँ, बेरोजगारी है, महंगाई है। सरकार तो कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं। अब सरकार कह रही है तो आम पब्लिक के कितना को तो समझना चाहिए कि कितना दे रही है या कितना अभी तक मिला है। ये तो इसलिए हम इस ये दो चीज़ पे वोट देंगे, इसके आगे हम कुछ नहीं कह पाएंगे। और भी कुछ लोग हैं, अब क्या आप भी वोट दीजिएगा? क्यों नहीं देंगे? जरूर जरूर। क्या है? बेरोजगारी है ना मुद्दा है, और क्या हो सकता है? हम भी आए हैं
ड्राइवर का इंटरव्यू देने ट्रायल देने के लिए अभी यहीं सचिवालय में मुद्दा उठाइएगा। हाँ जरूर, क्यों नहीं उठाएंगे, जो रोजगार देगा उसी को फिलहाल तो बनता है ना। तो आपने अभी युवाओं को सुना, सीनियर सिटीजन को भी सुना कि उनका मुद्दा क्या होगा। कुछ लोगों का कहना है कि विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे, विकास बीजेपी कर रही है, तो कुछ लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर करेंगे, बीजेपी वाले भ्रष्टाचारी हैं, सिर्फ विपक्षियों को परेशान कर रहे हैं। हालांकि अब तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि मुद्दा क्या था। फिलहाल बने रहे मीडिया दर्शन के साथ।